चलो तो देखते हैं यहाँ पर फास्फोलिपिड जो होते हैं उनके पास दोनों तरीके के ग्रुप होते हैं, बोथ हाइड्रोफोबिक और दूसरा क्या होता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों तरीके के उनके पास पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप बोलोगे फास्फोलिपिड्स कंटेन बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब देखिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि फास्फोलिपिड्स जो हमारे हैं वो कैसे हैं। तो बेटा आप बोलोगे एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक इन नेचर, तो एम्फीपैथिक नेचर के ये होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा था कि एम्फी मतलब बोथ, पैथिक ठीक है, तो दोनों चीजों को रखने वाले। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक उनके पास एक पार्ट था, मैंने बताया था आपको, और सेल में आपने पढ़ा भी होगा, एक हेड रीजन होता है और एक आपका ऐसे इस तरीके का होता है ये फैटी एसिड, तो इसको हम बोलते हैं ये हेड रीजन। और इधर आप बोलोगे ये बेटा टेल रीजन। टेल में मैंने बोला यूजुअली क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, और ये बेटा इनका नेचर कैसा होता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये लिपिड डालो आप वाटर में, देखिए वाटर से भागते हैं ना, हाइड्रो मतलब वाटर से भागने वाला, फोबिक मतलब डरने वाला, तो वाटर से क्या फियर करने वाला, फोबिक मतलब फोबिया फियर, तो डरने वाले ये मॉलिक्यूल भागेंगे वाटर से दूर। हेड की बात करोगे आप, तो हेड के केस में आप बात करोगे तो हेड जो है वो कैसा है, तो आप बोलोगे ये है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग, प्यार करने वाला, कैसा है, वाटर से प्यार करने वाला, वाटर लविंग। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्लियर है, चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो प्रॉपर्टी है फास्फोलिपिड्स की है ना, इसी की वजह से वो क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी बनती है, देखिए आप ऐसे बनाई होगी आपने, तो इनके जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं ऐसे, देखिए, और हेड बाहर की तरफ होते हैं क्योंकि तो बाहर वाटर होगा ऐसे इस तरीके से, और वाटर से दूर फैट भागता है, तो फैट कहाँ चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं इसके बाद में, लिपिड जो कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का उसमें मेनली जो होते हैं वो फास्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, लिपिड तो यहां पर लिख लेंगे एक पॉइंट हम कि क्या है आपका, द लिपिड कंपोनेंट, द लिपिड कंपोनेंट, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मेनली मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स। ठीक है, तो फास्फोग्लिसराइड के बने हुए कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा बात करूंगा, फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं यहां पर, फास्फोलिपिड्स शॉर्ट फॉर्म में आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का ये कहानी देखते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फास्फोलिपिड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लेसिथिन का, फास्फोलिपिड में लेसिथिन एक हो गया। लेसिथिन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, फॉस्फेटाइट फॉस्फोटाइडिल।
तो ये लैसिथिन और फास्फोटाइडल कोलिन ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखोगे ये जो लैसिथिन है ये बेटा कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होगा तो आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन, कहां प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मैं बता चुका हूं पीछे आपको इनका स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, यहां पर एक और एग्जांपल होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ग्लिसरोफास्फोलिपिड में सिफेलिन। पहला हमारा हो गया ग्लिसरोफास्फोलिपिड में लैसिथिन और दूसरा कौन सा हो गया आपका सिफेलिन, सिफेलिन। और ये दोनों बेटा कौन से हैं, तो इन दोनों को आप बोलोगे सिफेलिन। सर सिफेलिन का स्ट्रक्चर नहीं दे रखा उसमें। ओह सॉरी सॉरी, सिफेलिन का स्ट्रक्चर बेटा बताया तो मैंने, अभी दिखाता हूं मैं पीछे आपको। ये दोनों को हम लैसिथिन और सिफेलिन को हम क्या बोल लेंगे, ग्लिसरोफास्फोलिपिड। सर नहीं, मैं कह रही हूं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। हाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़ लो इसको, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकता है सिफेलिन। ठीक है, ये लैसिथिन का तो दिया हुआ है ना। यस सर, वो दे रखा है। हाँ तो वही, वो देख के जाना। ठीक है, और लेकिन पढ़ा रहे हैं तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई इशू नहीं। तो ये बेटा क्या है, सिमिलर है लैसिथिन से, और ये भी कहाँ पाया जाता है, कुछ याद नहीं करना है आपको, सिमिलर टू लैसिथिन, जैसा लेसिथिन है वैसा ये भी है। और आप बोलोगे कहां पाया जाएगा, अकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी कहां प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां पर आप बोलोगे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है सिफेलिन में वो एथेलामीन होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वहां पर वो कौन सा है, तो आप बोलोगे एथेनोलेमाइन। कौन सा होता है बेटा, एथेनोलेमाइन। ठीक है, एथेनोलेमाइन देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं पीछे जाता हूं आपको, जो है ये देखिए आप, मैंने दोनों एग्जांपल बताए थे फास्फोलिपिड में, ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स हैं, तो ग्लिसरॉल है इसीलिए ग्लिसरोफास्फोलिपिड। तो मैंने बोला था कि फैटी एसिड जुड़े हुए होंगे, ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ होगा और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और एक्स जो होगा वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन में अगर कोलीन हम रख देंगे तो ये लैसिथिन बन जाएगा कि नहीं, एग्जांपल वही तो बता रहा हूं। अगर हम यहाँ पर एथेलामीन में क्या रख देंगे, आपका नाइट्रोजन कंपाउंड क्या रख देंगे, एथेलामीन रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, सिफेलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिफेलिन बन जाएगा। ठीक है, सर प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक और क्वेश्चन होता है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस पूछता है, आता है किसी को, एक होता है आप लोग देखते हो लिखा होता है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, पता है किसी को? नहीं सर। चलो नहीं पता, कोई बात नहीं है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, करके आना कल अगली क्लास में। ओके सर। सो सिफेलिन है यहाँ पर, सिफेलिन नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग जो कंपाउंड है, एथेलामाइन, तो वहां पर सिफेलिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स हो गए। दूसरा जो फास्फोलिपिड्स होता है, एक तो ये क्लास हो गया फास्फोलिपिड का, पहला क्लास ये हो गया, पहला क्लास है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा जो देखोगे आप फास्फोलिपिड्स का, फास्फोलिपिड्स, तो दूसरा फास्फोलिपिड जो है वो कौन सा है, दूसरा फास्फोलिपिड जो होता है उसको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, या बेटा हम इसी का दूसरा नाम देते हैं क्या, स्फिंगोमाइलिन्स। स्फिंगोमाइलिन्स, तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। ये बेटा जो आपका तीसरा मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर आपको भी,
ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड में आप बोलोगे यहां पर होगा आपका पहला, देखिए स्फिंगोलिपिड में बेटा बोलोगे ये अकर्स जो है पाया जाता है, इट अकर्स इन, देखिए दे रहा हूं, अकर्स इन माइलिन सीथ ऑफ नर्व्स। तो नर्व्स के ऊपर जो माइलिन सीथ होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, इंसुलेटर की तरीके से काम करता है ये स्फिंगोलिपिड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए इसमें है क्या कहानी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए स्फिंगोलिपिड की जब बात करोगे तो ये बना हुआ होता है, एक पहला डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये हमने मान लिया है आपका जो है स्फिंगोसीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं स्फिंगोसीन, ठीक है। अब ये दो तरीके का होता है, इसको हम लिख लेते हैं स्फिंगोसीन, ठीक है स्फिंगोसीन। अब इससे जुड़ा होता है HPO3, आपको ना याद रहे आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप छोड़ देना इसको, H3PO4 और इसके साथ में X जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए फैटी एसिड होगा, ठीक है, और फैटी एसिड में देखिए X की जगह पे आप बोलोगे यहाँ पे अगर H हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और X की जगह अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, फास जो है वो रख दें आपका, क्या बात है, फास्फोलिपिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके केस में ग्लाइकोलिपिड्स, मैंने बोला ये क्या है आपके ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनेंगे, जो है स्फिंगोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो एक फैटी एसिड होगा, स्फिंगोसिन होगा उसके पास और गैलेक्टोज होगा, ठीक है। तो हालांकि इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख लो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं माइलिन सीथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोड़ो आपसे नहीं पूछेगा, जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत होती तो जरूर मैं बता देता, ठीक है। अब डेराइव लिपिड हम पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, स्फिंगोलिपिड तक याद रखो, ठीक है, लिखने को आप साइड में क्या लिखा हुआ है, ये इधर, यस सर, स्फिंगोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ये स्फिंगोलिपिड है, इसके अलावा एक और होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, तो वो सब जरूरत नहीं आपको, छोड़ो नहीं पूछेगा आपसे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लगे होते हैं तब उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। चलिए ये देख लेते हैं डेराइव लिपिड, डेराइव लिपिड, ठीक है, तो डेराइव लिपिड की बात करते हैं, डेराइव लिपिड की बात करते हैं, तो डेराइव लिपिड में अगर आप बात करोगे तो डेराइव लिपिड जो हैं वो सिंपल या कंजुगेटेड लिपिड जो है ना, कहां से डेराइव होते हैं, सिंपल या कंजुगेटेड लिपिड से डेराइव होते हैं। तो आप लिख लोगे यहाँ पे लिपिड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंजुगेटेड लिपिड, ठीक है, तो सिंपल या कंजुगेटेड लिपिड से ये जो है डेराइव होता है। दूसरा बोलोगे डेराइव लिपिड्स जो होते हैं, डेराइव लिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। ये आप बोलोगे इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और सॉल्युबल किसमें होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये बात हो गई। अब डेराइव लिपिड दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं देखिए, तो एक आप बोलोगे स्टेरॉइड्स, दूसरा आप बोलोगे स्टेरॉइड के बाद में क्रोमोलिपिड्स, कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड एंड क्रोमोलिपिड्स, ठीक है।
स्टेरॉइड जो होते हैं उनका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको जरूर ध्यान रखना, ऐसे करके बना हुआ है। ये पूछ सकता है आपसे कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है? आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, बोल देना है कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो किसका, स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर, स्टेरॉइडल रिंग, ठीक है? ये इस तरीके का आपको दिखेगा। हाँ, कोलेस्ट्रॉल वाला ही रिंग है, ठीक है? अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप करेंगे बात, तो स्टेरॉइड भी दो तरीके के होते हैं। एक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है? अब स्टेरॉइड में दो तरीके के कौन से होंगे, अगर एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है तो क्या होगा, और अगर आपका कीटोन ग्रुप है तो क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो कीटोन ग्रुप है या एल्कोहल ग्रुप है, तो इनके नाम फिर अलग अलग ये कैटेगरी हो जाएगी। एल्कोहल ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक, बोलेंगे एल्कोहलिक स्टेरॉइड, और अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कीटोनिक स्टेरॉइड, ठीक है? ऐसे दो तरीके के ये स्टेरॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है? सर लेफ्ट हो गए। हाँ। एक मिनट बेटा, हाँ आवाज आ रही है ना? यस सर। कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे आप, ये पाया जाता है ब्रेन में, ब्रेन की सेल्स में, नर्वस टिश्यू में पाया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के आसपास पाया जाएगा। उसके अलावा आप बोलोगे एड्रिनल ग्लैंड के अलावा कि यहाँ पर जो स्किन होता है उसमें भी पाया जाता है, ठीक है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये पैरेंटल स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज पैरेंटल स्टेरॉइड, मतलब इसी से सब स्टेरॉइड बनेंगे, ठीक है? इसीलिए इसको हम पैरेंटल स्टेरॉइड बोलते हैं। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये हुआ कि इसी से सारे अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड्स बनेंगे, ठीक है? चाहे आपके हार्मोन्स वाले हों तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन होता रहेगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये मेन थीम वाला जो स्ट्रक्चर है यही रहेगा, ठीक है? बना हुआ होगा स्ट्रक्चर, आप देखोगे बना हुआ होगा एनसीईआरटी में। यस सर, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रॉल है। हाँ, तो बस बस वही याद रखना है आपको, ठीक है? उसी को थोड़ा देखना है, बस याद कर रखना, बनाने को थोड़े आएगा, बस टिक करना होगा। ओके सर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे बेटा तो आप बोलोगे होता है 7-dehydro कोलेस्ट्रॉल, 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल, ठीक है? ये बेटा कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे विच इज प्रेजेंट इन स्किन, स्किन में प्रेजेंट होगा, ठीक है? क्लियर है? और ये एज अ एक प्रो विटामिन की तरीके से काम करता है। तो 7-dehydroxy जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जब बात करोगे आप, विच अकर्स इन स्किन एंड इज अ प्रो विटामिन, इसको हम बेटा क्या बोल सकते हैं कि ये एज अ प्रो विटामिन काम कर रहा है, प्रो विटामिन काम कर रहा है। अब 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल है, ये अगर आप बात करोगे, इसमें अगर स्किन पे अगर एक्सपोजर होगा इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, तो ये जो आपका पॉलीकैल्सिफेरॉल है ये चेंज हो जाता है विटामिन डी, ठीक है? क्या होता है, जो है पॉलीकैल्सिफेरॉल जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, आप बोलोगे विटामिन डी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक दूसरा पॉइंट, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, एक पॉइंट लिख लेंगे, ऑन द एक्सपोजर
एक्सपोजर टू यूवी रेज ठीक है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू कैल्सी फेरॉल। ये विटामिन का नाम है, इसको बोलते हैं विटामिन डी। ये प्रो विटामिन था। अब देखो मैंने क्या बोला कि 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल पे जब यूवी रेडिएशन हुआ, एक्सपोजर हुआ यूवी रेस का, तो ये किसमें चेंज हो गया, तो आप बोल रहे हो पॉलीकैल्सीफेरॉल। और ये क्या बेटा, विटामिन डी। तो एक्चुअल में हमारी स्किन में होते हैं ना, धूप में बैठो जाते हैं तो विटामिन डी मिलेगा, मिलता नहीं एक्चुअल में, वो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होता है। बस ये रहता है कि उसका जो एक कैटालिटिक जो कैटालिसिस होता है, स्टिमुलस होता है, वो एज ए स्टिमुलस काम करता है आपका यूरिस, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग। तो स्किन में सीबेसियस ग्लैंड होती हैं और वो क्या करती हैं, वैक्स भी सिक्रेट करती हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका मटेरियल सीबम होगा वो 7-dehydroxy कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाएगा, उस पे यूवी रेज का रेडिएशन होगा जिसकी वजह से पॉलीकैल्सीफेरॉल या विटामिन डी का फॉर्मेशन, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को हम इसके अलावा मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्टेरॉल इज आल्सो कॉल्ड मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रो मॉलिक्यूल बायोलॉजी। बहुत डेकोरेटिव, सुंदर सा देखता ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कि मोस्ट डेकोरेटिव है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेकोरेटिव, इसीलिए इसको मोस्ट डेकोरेटिव, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स के बाद में हम आते हैं, ये जो है आपका कोलेस्ट्रॉल के बाद में हम आते हैं स्टेरॉन्स की बात करते हैं। सबसे स्टेरॉन्स की बात करते हैं, तो स्टेरॉन देखिए क्या होते हैं। स्टेरॉन के केस में जब आप बात करोगे तो ये कैसे हैं, कीटोनिक स्टेरॉइड्स हैं, कीटोनिक स्टेरॉइड्स, कीटोनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, कीटोनिक स्टेरॉइड्स। इनके एग्जांपल की बात करोगे तो सेक्स हार्मोन्स, देखिए सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो कैसे हैं आपके, स्टेरॉन्स, ठीक है। और सेक्स हार्मोन में आप देखोगे मेल और आप बोलोगे फीमेल, दो तरीके के होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है और ये वाला आपका जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोजेस्टेरोन। तो ये काम ही हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा एड्रेनो कॉर्टिकॉइड्स भी होते हैं, वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कॉर्टेक्स, एडिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। और एडिनल कॉर्टेक्स होने के बाद में इनको अगर आप देखोगे तो कम्बाइनली हम एडिनो कॉर्टिकोइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो सब आपको पहले मैं बता चुका हूँ, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्रोमोलिपिड्स, जो दूसरा पार्ट था हमारा, क्रोमोलिपिड्स। क्रोमो के नाम से ही पता चल रहा हमको, क्रोमो मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमोलिपिड जो होते हैं वो आपके आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं, किसके बने थे, आइसोप्रीन यूनिट जो होते हैं बेटा, प्लांट्स में आप देखोगे लंबी लंबी चेन होती हैं कार्बन की, उनसे बना होता है, फाइव चेन होता है, फाइव कार्बन होते हैं आइसोप्रीन यूनिट में। और ये मिलके बेटा क्या बना लेते हैं, तो आप बोलोगे ये बनाते हैं रिपीटेड आइसोप्रीन जो होते हैं वो बना लेते हैं टर्पीन्स, बनाते हैं टर्पीन्स। और टर्पीन्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ऐसे करके ये बहुत सारे होते हैं, तो आपको उतना जरूरत नहीं है, आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं, इनको क्रोमोलिपिड बोलते हैं, फाइव कार्बन कंटेनिंग होते हैं, टर्पीन्स जो है इसका एग्जांपल हो गया। और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
स्पेसिफिक प्लांट्स। और ठीक, तो ये कहानी हो गई पूरी आपके इसके केस में लिपिड्स की। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कौन सा टॉपिक? न्यूक्लिक एसिड। चलिए न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में हम समझते हैं कहानी क्या है न्यूक्लिक एसिड की फटाफट, यहीं पर आप लोग लिख लेना, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की जब भी बात करोगे आप तो इसमें दो हैं आपका, एक आपको पता है आरएनए और दूसरा डीएनए। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलते हैं हमारे अंदर, आरएनए एंड डीएनए, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले अगर आप बात करोगे न्यूक्लिक एसिड की तो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था एफ मिशर। इन्होंने डिस्कवर किया था, दे डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियस ऑफ pus and called it nucleus, and called it nucleus। ठीक है, दूसरा दिन इसके बाद में हम बात करेंगे जो टर्म न्यूक्लिक एसिड था, टर्म न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ा चुके हैं, प्रोटीन पढ़ा चुके हैं, लिपिड भी पढ़ा चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल का बचा है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा वो एंजाइम है, तो वो मुझे लगता है दो क्लास में वो भी हम लोग खत्म कर लेंगे, और एक क्लास ये तीन क्लास और लगेगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आप किसी टाइम पे जो है फ्री है बताइए, तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेता हूँ एक दो में। यस सर, संडे। संडे में फ्री हो? इस बार एग्जाम नहीं है संडे को? यस सर, एग्जाम तो है। कितने बजे है? पर सर हमारे पास पूरा दिन होता है करने के लिए। अच्छा, तो पहले एग्जाम कर लो फिर क्लास लें, कि पहले क्लास ले लोगे फिर एग्जाम दे दोगे? आठ बजे से ले लें, आठ से नौ तो नहीं होता ना? यस सर। नो सर। तो आठ से नौ संडे मॉर्निंग में ले लो, आठ से नौ ना? यस सर। ठीक है, मैं मैम से बात कर लूंगा फिर बता दूंगा आपको, है ना? यस सर। तो टर्म न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो क्वाइंड होगा, वाज क्वाइंड बाय कौन? इसको खोजा था तो आप बोलोगे अल्टमैन। तो इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। फिर देखिए आप न्यूक्लिक एसिड के बाद में, यहाँ पर आप देखोगे टर्म के बाद में जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है? आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए जो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस आप बोलोगे पेंटोज सुगर, इसके बने होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस होंगे, पेंटोज सुगर होंगे, प्लस फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस बेटा दो होते हैं, एक होता है प्यूरीन दूसरा पायरिमिडीन। तो नाइट्रोजनस बेस कितने हो जाएंगे? या तो प्यूरीन होगा या आप बोलोगे और क्या हो सकता है इसमें,
पाइरिमिडीन होगा। पेंटोज सुगर में अगर आप बात करोगे तो पेंटोज सुगर में आपका क्या होता है, तो आप बोलोगे पेंटोज सुगर में एक होता है राइबोज सुगर जो कि 5 कार्बन वाला होता है, ठीक है, और ऐसे होता है आपका डी ऑक्सीराइबोज सुगर। ये बता चुका हूं तो डी ऑक्सीराइबोज सुगर जो है वो भी कितना है, 5 कार्बन का है, ठीक है, तो 5 कार्बन का डी ऑक्सीराइबोज सुगर हो गया और राइबोज सुगर भी 5 कार्बन का हो गया, ठीक है, गॉट इट, ये कहानी हो गई आपकी। तो ये मैंने मतलब अभी यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया मैंने डीएनए आरएनए को, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल वे में बोल दिया आपको कि इस तरीके का कहानी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, गॉट इट। तो ये कहानी हो गया आपका राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के केस में जो है डीएनए के जो पेंटोज सुगर है। तो डीऑक्सीराइबोज कहाँ पर होती है, डीएनए के केस में होगी, राइबोज सुगर कहाँ होगी, आरएनए में, तो आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो ये वाली सुगर कहाँ रहती है, डीएनए में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये वाली सुगर जो रहती है कहाँ रहती है, आरएनए में, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसी केस, ठीक है, ये बात बेटा ध्यान रखिएगा। इतनी समझ में आ गई बात सभी को, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, तो मैंने बोला दो होंगे प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ठीक है, कौन कौन से होंगे, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। सर आपने ये आर्टमैन लिखा है, आर्टमैन, हाँ सर, ए ई टी एम नहीं ए एल टी है, थोड़ा बड़ा कर लेना इसको, ओके सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस की जब बात करेंगे तो ये नाइट्रोजनस बेस जो बेटा है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपने पढ़ा होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री में, तो कैसे कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकिल के बने हुए, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर बात करोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो तरीके के, ठीक है, यहां लिख लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस आर टू टाइप, आर टू टाइप, ठीक है, तो दो तरीके के होंगे नाइट्रोजनस बेस, देखते हैं भाई क्या कहानी नाइट्रोजनस बेस की, टू टाइप्स, कौन कौन से दो टाइप होंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बेटा है आपका पायरिमिडीन, और दूसरा आप बोलोगे पायरिमिडीन के बाद में दूसरा जो है वो कौन सा है, प्यूरीन। तो प्यूरीन और पायरिमिडीन दो हैं, पायरिमिडीन की जब बात करोगे आप, पायरिमिडीन की जब बात करोगे तो उसमें कौन आएगा और प्यूरीन में कौन आएगा बताइए मुझे जरा, प्यूरीन में कौन कौन आएगा सर, एडिनिन और थाइमिन। यस सर, एडिनिन और प्यूरीन में कौन आएगा, ठीक है, यस सर, सॉरी सर, गुआनिन, और पायरिमिडीन में कौन आएगा, बोलो तो बोल दो ना, यस सर, यूरैसिल और थाइमीन और साइटोसिन, वेरी गुड, साइटोसिन, ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर, ठीक है, पायरिमिडीन और प्यूरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, थाइमीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थाइमीन केवल आपको किसमें देखने को मिलेगा, डीएनए में, है ना, और यूरैसिल में देखने को मिलेगा आपको, आरएनए में, आरएनए में, बात पता है कि नहीं, यस सर, ये बात पता है कि नहीं सभी को, चलो बहुत अच्छी बात। अब सबसे पहले पायरिमिडीन की बात करते हैं, ठीक है, पायरिमिडीन रिंग्स की बात करोगे तो यहाँ पर जो रिंग है उसमें दो नाइट्रोजन कंपाउंड है और 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों है, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन्स में मैंने बोला कि पायरिमिडीन्स बेटा क्या करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ वन पायरिमिडीन, वन रिंग रहती है उनके पास,
है। दूसरा देखिए, एक रिंग होने के साथ साथ में इनका जो स्केलेटल है, जो रिंग का स्केलेटल ऑफ रिंग, उसमें देखेंगे हम क्या क्या है। तो यहाँ बोलोगे स्केलेटल ऑफ रिंग इज कंपोज्ड ऑफ 2n एंड 4c एटम्स, ठीक है। तो दो नाइट्रोजन और चार कार्बन एटम से मिलके ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो नाइट्रोजन है उसका पोजीशन क्या है। नाइट्रोजन का पोजीशन याद रखना है, तो बना लोगे आराम से। नाइट्रोजन का पोजीशन बेटा होता है, आप बोलोगे 1 एंड 3, एक और तीन नंबर पे जो है इनका पोजीशन, ठीक है। मैं पहले चुका हूं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल है, ठीक है। अब इनका एक स्ट्रक्चर में थोड़ा आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन मैंने बोला किस किस नंबर पे है उसको हमको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन तीन नंबर पे, ये तीन नंबर पे नाइट्रोजन हो गया, तीन नंबर है ये नाइट्रोजन का, तीन नंबर पे नाइट्रोजन है, लिखे देखो तीन नंबर पे नाइट्रोजन है, ठीक है तीन नंबर पे। उसके अलावा मैंने बोला एक नंबर पे नाइट्रोजन, एक नंबर नाइट्रोजन का कहां हम कंसिडर करेंगे, ये तो ये हो गया एक नंबर। दो नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे दो नंबर पे आपका हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, फिर तीन नंबर पे फिर ये कार्बन और ये फिर कार्बन। तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया जो है किसका, आप बोलोगे इसका जो है आपका पायरिमिडीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में, इसके बाद में आप बोलोगे प्यूरीन का स्ट्रक्चर, ये तो पायरिमिडीन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आप बोलोगे प्यूरीन, प्यूरीन्स की बात करते हैं। तो प्यूरीन्स में आप बात करोगे तो यहां बोलोगे यहां पर दो रिंग, प्यूरीन्स, ठीक है, दो रिंग्स। कौन कौन सी दो रिंग है, तो आप बोलोगे एक रिंग है आपका पायरिमिडीन, एक रिंग कौन सी है पायरिमिडीन, और दूसरी रिंग जो है वो आपकी कौन सी है, इमिडाजोल, कौन सी है, इमिडाजोल रिंग, ठीक है। तो इमिडाजोल और पायरिमिडीन रिंग दोनों मिलके क्या बनाती है आपका जो है प्यूरीन बनाती है। तो इस प्राइमरी जो पायरिमिडीन जो एक पहला रिंग है पायरिमिडीन, उसमें आप बोलोगे दो एन है और आप बोलोगे चार कार्बन, जबकि इमिडाजोल रिंग में आप बोलोगे दो नाइट्रोजन है प्लस तीन कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों मिलके प्यूरीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो टोटल अगर आप बात करोगे, टोटल अगर आप बात करोगे तो चार एन होंगे, चार नाइट्रोजन होंगे और सात कार्बन होंगे पूरे प्यूरीन रिंग, ठीक है। कितने होंगे, चार नाइट्रोजन होंगे और सात कार्बन प्रेजेंट होंगे। अब नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, देख लीजिए, तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन आपका हो जाएगा 1, 3, 7 एंड 9, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जांपल आपको पता है। अब हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, काम खत्म करते हैं। देखिए एक रिंग तो हमको पता है, कुछ ऐसे इस तरीके से बना लेंगे, चलिए। तो यहां पर नाइट्रोजन बेटा जहां से स्टार्ट करते हैं, ये एक नंबर, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे तीन नंबर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे 4, 5, 6, 7 नंबर, ये हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे, और फिर ये आपका 8 और ये 9 नंबर, ये यहां, यहां पर आपका क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसके बाद यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन,
ये पूरा जो रिंग बेटा बना, ये रिंग पहला रिंग ये कौन सा था आपका? पायरिमिडिन, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ आपको, लेकिन नंबरिंग चेंज हो जाता है। और ये दूसरा रिंग कौन सा था आपका? इमिडाज़ोल रिंग है, जिसमें दो नाइट्रोजन है और तीन कार्बन है, तो ये प्यूरीन हो गया। एग्जाम्पल आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एडेनिन एंड, एग्जाम्पल लिखना चाहो आप लिख सकते हो, एडेनिन एंड, एडेनिन एंड दूसरा कौन सा है आपका? ग्वानिन। ठीक है, अगर इसको भूलते हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, प्यूरीन को ऐसे याद कर लो, जो है आपका गपू, पीयू मतलब प्यूरीन, एडेनिन ग्वानिन, ऐसे याद रहेगा आपको हमेशा, गप्पू याद। ठीक है, नहीं तो भूलते हैं बच्चे, बहुत ईजी है लेकिन भूल जाते हैं बच्चे, ये कौन से पायरिमिडिन कौन से प्यूरीन, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, गप्पू ग्वानिन एडेनिन एंड प्यूरीन। ठीक है, अब इसमें जो है आपका एब्रेवेशन सबको पता है कैसे क्या जो है करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अगर डीएनए हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसके पास कौन कौन से नाइट्रोजन स्पेस हो सकते हैं बताओ जरा मुझे? एडिनिन होगा, थायमिन होगा, ग्वानिन होगा, यूरेसिल होगा, सॉरी साइटोसिन होगा। और आरएनए अगर है तो उसके पास कौन कौन से होंगे? तो आरएनए के पास आप बोलोगे कौन कौन से होंगे? यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो थायमिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? यूरेसिल। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दूसरा आपका फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, हाँ बताओ बेटा। सर बस मुझे एक चीज बता दीजिए सर, मेरे को लास्ट डे में सर कैसे रिवीजन करनी चाहिए सर? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। बेटा रिवीजन के लिए आप अभी जो है, अगर एनसीईआरटी पढ़े हो कि नहीं पूरा अच्छे से? ये सर 12th की 11th की भी हो ही गई है, बस रिवीजन कैसे करनी है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो चीजें एनसीईआरटी में डायग्राम है उनको अच्छे से देखो और एक फ्लो में पढ़ो, जो चीजें तुमको याद ना रही उनको मतलब थोड़ा साइड में लिख के ऐसे पढ़ो। और रिवीजन करने के लिए जो नोट्स बनाया ना मेरा वाला, यस सर, तो नोट से पढ़ो आराम से, और एनसीईआरटी भी साथ में रखो, तो नोट से पढ़ोगे तो रिवीजन जल्दी होगा। रिवीजन नोट से करो, पढ़ना हो तो एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि नोट्स में तुमको सब कंटेंट भी मिल जाएगा और कम पॉइंट्स में लिखा हुआ है सारी चीज, तो फटाफट हो जाता है नोट्स, तुमने खुद लिखा है उसको, तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करो आप, ठीक है, और जो क्वेश्चंस कर चुके हो वही करो, नए क्वेश्चंस मत करो इधर उधर से कोई भी बुक उठा के। ठीक है, और जो चीजें ना याद रहे उनको एक छोटी सी डायरी बना के रखो, एकदम अपने पास रखने वाली, छोटी सी आती जेब में रखने वाली, इतनी बड़ी देखोगे इतनी बड़ी, तो वो इतनी बड़ी डायरी रखो, इतनी बड़ी, वो अपना आराम से उसी पे लिखते जाओ क्लिप टू पॉइंट्स, जो जो याद ना रहते हैं उसको खोल के देखते रहो, जब भी फ्री हो, जब भी लगे भूल रहे हो कुछ चल रहा है दिमाग में तुम खोल के देख लो, है ना, ऐसे रिवीजन करो, हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटे, गुड नाइट, थैंक यू सर, वेलकम बेटा।